अगर आपको लगता है कि गुरुकुल हब से जुड़कर आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी चल रही है 5000 प्रीवियस जीके क्वेश्चंस की सीरीज, जहां पर हम डेली बेसिस पर 25 क्वेश्चन आपको कराकर चलते हैं। तो 60 वीडियो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उन देखने वीडियोस को देखने के लिए आप गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में 5000 जीके प्रीवियस क्वेश्चंस की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर वो सभी 60 वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के ये क्वेश्चंस। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक को घृणित कायर कहा जाता है, तो वो हैं फर्रुखशियर को घृणित कायर के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्टैक्ट के लेखक हैं, और इसके लेखक हैं रूसो सोशल कॉन्टैक्ट के लेखक हैं। नेक्स्ट है कि टुंड्रा प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानवर है वो है पोलर बियर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। नेक्स्ट है दक्षिण रोडेशिया का आधुनिकतम नाम है जिम्बाब्वे। फिर है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। अंतरिक्ष यात्री किस शैवाल का प्रयोग खाने में करते हैं, तो वह होता है क्लेरोला शैवाल, जिसको अंतरिक्ष यात्री खाने के रूप में यूज करते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हॉर्न ने। नेक्स्ट है कि अभिनव भारत का गठन किया था वीडी सावरकर ने। फिर है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्षापण मुद्रा प्रचलित थी मौर्य काल में। सिरके में पाया जाता है सिरका, जो खाने के यूज किया जाता है, अचार के रूप में यूज किया जाता है या और बहुत सारे अलग कामों में यूज किया जाता है, तो वह उसमें होता है एसिटिक अम्ल। सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है हनुमत राव समिति संबंधित उर्वरक उद्योग से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भारी उद्योग का विकास। नेक्स्ट है कि लेपचा नामक जनजाति पाई जाती है, तो यह पाई जाती है सिक्किम राज्य में। फिर है कि अंध महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका को अंध महाद्वीप या अंधकार युक्त महाद्वीप कहा जाता है। सतपुड़ा की श्रृंखला है मध्य प्रदेश में, और ये पाए जाते हैं नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में। फिर आता है कि गोपुरम का संबंध है मंदिर शैली। यह एक मंदिर निर्माण की एक शैली है गोपुरम। नेक्स्ट है कि किस देश के दो जुड़वे भाई वहां के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो वह है पोलैंड के ही दोनों जुड़वे भाई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति था, वह थे सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अंडे में दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, अंडे और दूध दोनों में ही विटामिन सी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है हम तारे टिमटिमाते देख पाते हैं किस कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मांसपेशियों में पाया जाता है मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों में पाया जाता है। कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो सबसे अच्छा चालक होता है समुद्र का पानी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, तो वह प्रयुक्त किया जाता है फेनिल मरकैप्टन। एलपीजी में एक गंधीय पदार्थ होता है, वह यूज़ किया जाता है। और एलपीजी रूप है एक द्रवित गैस का, एक लिक्विफाइड गैस होती है जो कि एलपीजी उस रूप में हमें मिलती है। ठीक है गाइस, तो ये हो जाते हैं आज के 25
क्वेश्चन जो प्रीवियस एसएससी के एग्ज़ाम से लिए गए हैं, आपके आने वाले एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सीपीओ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और एमटीएस के आने वाले 2018 के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये आपको पता चल ही गया है कि सभी वैकेंसी आनी है, टाइम से वैकेंसी आनी है, सीएचएसएल भी चल ही रहा है, फिर सीपीओ आना है, उसके बाद सीजीएल है और फिर एमटीएस का एग्ज़ाम, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, साथ ही स्टेट लेवल के सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके चलिए। तो उम्मीद करता हूँ आज के ये बताए हुए क्वेश्चन भी आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।